इस वीडियो में बिल्कुल कम समय में अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट करते हैं ये बताने वाला हूँ। अगर आपके पास एग्जाम के 20 डे 15 डे 7 डे या उससे भी कम बचा है ना, तो इस वीडियो को पूरा देख लेना। और हाँ, सिर्फ देखकर मत चले जाना, आज से ही पढ़ना चालू कर दो, क्योंकि अब आपके पास गंवाने का टाइम ही कहाँ बचा है। मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट डाला था कि अभी तक आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है। मैक्सिमम स्टूडेंटों का अभी तक 40% ही सिलेबस कंप्लीट हुआ है, फिर भी अंतिम समय तक भी हिम्मत नहीं हारा जाता। वीडियो को लास्ट तक देखना, फर्क नहीं पड़ता कि आपका सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ है। नंबर 1, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस करो। देखो, आप युद्ध के लिए कितना तैयारियां की है, आप युद्ध के लिए कितना सक्षम हो, ये तभी पता चलेगा जब आप युद्ध में लड़ोगे। आप एग्जाम से पहले कितनी तैयारी की है, क्या पढ़ा है, कैसे पता चलेगा कि आप एग्जाम में लिखने के लिए तैयार हो या नहीं। अब आपका परफॉर्मेंस प्रीवियस ईयर पेपर या लेटेस्ट सैंपल पेपर ही बताएगा। देखो, इसमें से 2 बातें निकालो। नंबर 1, आपके सब्जेक्ट में कौन से चैप्टर सबसे ज्यादा स्कोरिंग है और कौन चैप्टर सबसे कम स्कोरिंग वाला है, ये कैसे पता चलेगा। क्वेश्चन पेपर निकालो और टिक लगाओ किस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस चैप्टर से सबसे कम क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस चैप्टर से मीडियम क्वेश्चन पूछे गए हैं, और क्वेश्चन का मार्क्स भी काउंट कर लो। तब आपको पता चलेगा कि किस चैप्टर से कितने मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं और कितने नंबर का आते हैं। जिस चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो चैप्टर आपको सबसे ज्यादा मार्क्स दिला सकता है, उसको फर्स्ट प्रायोरिटीज में रखो। उसके बाद उससे कम स्कोरिंग वाला, उसके बाद उससे कम स्कोरिंग वाला, ऐसे चैप्टर डिसाइड कर लो। हाई स्कोरिंग वाला चैप्टर पहले कंप्लीट, उसके बाद में उससे कम स्कोरिंग वाला चैप्टर कंप्लीट, उसके बाद उससे कम वाला चैप्टर कंप्लीट, ऐसे आपको चैप्टर कंप्लीट करना है। और कुछ ऐसे चैप्टर होंगे जिसमें बहुत कम क्वेश्चन होंगे, लेकिन हर साल उसमें से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते होंगे, यानी लॉन्ग क्वेश्चन, उसे भी कंप्लीट कर लेना। क्योंकि दोस्त, अब आपको एग्जाम के तरीके से पढ़ना है, अपने तरीके से नहीं पढ़ना। आप किसी सीनियर का हेल्प भी ले सकते हो या टीचर का भी। और हाँ, अपने ऊपर प्रेशर मत डालो, प्रेशर डालोगे पढ़ नहीं पाओगे। नंबर 2, सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो नहीं है कि 1-2 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ लोगे तो पास हो जाओगे, एक सब्जेक्ट में भी क्रॉस लगा फेल हो जाओगे। डरो मत, सतर्क कर रहा हूँ, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना है क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है, राइट। देखो, सैंपल पेपर या प्रीवियस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते वक्त ये पता लगाओ कि कौन ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। जिस सब्जेक्ट का आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, उस पर ज्यादा ध्यान दो। और जिस सब्जेक्ट का आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, उसको छोड़ना नहीं है, पहले से थोड़ा कम समय देना है। ऐसे करोगे तभी आपका सभी सब्जेक्ट कंप्लीट हो पाएगा, राइट। नंबर 3, रिवीजन जरूरी है। अब नया तो कुछ पढ़ो मत। एग्जाम के दिन कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, इस पर भी वीडियो बना दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के जरूर देखिए। एग्जाम के दिन ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो समय चला गया जब आप कुछ सीखने के लिए पढ़ते थे, अब एग्जाम का टाइम है, जो पहले पढ़े हो उसे कम से कम 2-3 बार जरूर दोहरा लो, कंसेप्ट को समझते हुए पढ़ो। नंबर 4, सब्जेक्ट के हिसाब से तैयारी करो। एग्जाम की तैयारी करते समय इस बात को ध्यान रखो कि हर सब्जेक्ट को पढ़ने की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। जैसे मैथमेटिक्स में फॉर्मूला, डेरिवेशन और लॉजिक जितने अच्छे से आते होंगे ना, आप किसी भी क्वेश्चन को बहुत जल्दी और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ऐसे ही साइंस में अगर फिजिक्स का फॉर्मूला प्लस थ्योरी और कंसेप्ट क्लियर होंगे तो आप अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। केमिस्ट्री में केमिकल कंपाउंड नेम प्लस मोलिक्यूलर फॉर्मूला और केमिकल इक्वेशन क्लियर होना चाहिए, आप केमिस्ट्री के किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। बायोलॉजी में आपको इमेज बनाने और उसके पार्ट के नाम पता होना चाहिए। ये किसी भी सब्जेक्ट के बेसिक चीजें हैं जो आपको हर हाल में पता होनी चाहिए, और इसी से आपका सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग बनता है। नंबर 5, शॉर्ट क्वेश्चन को पहले तैयार करें। किसी भी चैप्टर को तैयार करते समय उसके जितने भी 1 और 2 नंबर के क्वेश्चंस हैं, उसे पहले तैयार कर लेना है, क्योंकि ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को मजबूत करते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व कर लिया तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करने में काफी आसानी होगी। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपको सैंपल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या बुक में भी मिल जाएगा। दोस्त, सबसे पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस को क्लियर कर लो, लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा। नंबर 6, लॉन्ग टॉपिक को छोटे छोटे पॉइंट में डिवाइड करके याद करो। जितने भी 3 और 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े लंबे होते हैं, तो उन्हें छोटे छोटे पॉइंट में डिवाइड कर दो और तब याद करो, इसे जल्दी याद होंगे बजाय एक ही बार में पूरा याद करने के। तो दोस्त, ये हो गए लास्ट समय की तैयारी।
कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।